Hello everyone, I hope you guys are absolutely fine. Can you hear me properly? Okay. So, आज का जो हमारा session है, in today's session we will discuss about the geophysical exploration. Okay. So, मैंने आप लोगों को already काफ़ी अच्छे notes दे रखे हैं, है ना? But मैंने आप लोगों को जैसा बोला था starting में कि मैं आप लोगों को उस चीज़ के अलावा भी दूसरे notes से पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये मेरे पास एक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, है ना? इसमें ग्रेविटी, मैग्नेटिक मैथड्स, मतलब सारी की सारी जितनी भी मैथड्स हैं हमारे सिलेबस में जो है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है? इट आइदर बी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट MPPSC और यू आर टॉकिंग अबाउट CGPSC, ठीक है? चाहे छत्तीसगढ़ का माइनिंग ऑफिसर का हो या हमारे MP का माइनिंग ऑफिसर का हो, ठीक है? तो दोनों ही जगह आप लोगों का जो चीज़ें ही है ये सफिशियंटली आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का, ओके, तो दैट इज अ ग्रेविटी सर्वे, है ना? हम लोग आज बात करेंगे हमारे ग्रेविटी सर्वे की, एक्चुअली ग्रेविटी सर्वे होता क्या है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है वगैरह वगैरह, इस तरीके इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल जीरो पॉइंट से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे ना, जीरो से लेके हम लोग आगे फाइनाइट पॉइंट तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है? कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, मतलब जितना हमारा काम हो जाए उतना ऑलमोस्ट लेके जाएंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात तो जो ग्रेविटी सर्वे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड कहाँ से हुआ है, ठीक है? सो द ग्रेविटी सर्वे इन्वेस्टिगेशन वेरिएशन इन द ग्रेविटी एनामोलीज, अब ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी एनामोली के साथ ही डील करेंगे, इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है? अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आ गई तो आप लोगों को पता होगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या हो गया। अर्थ पे भी आप लोगों को पता है ग्रेविटी है ना, लगती है हर जगह। अब आप लोगों को ये पता है कि हमारा जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल पे, है ना? वो मिनिमम कहाँ पर होती है, इक्वेटर पे, है ना? ये आइडिया भी होगा, है ना, कि हमारी ग्रेविटी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, कहाँ इंक्रीज होती है ना, मैक्सिमम कहाँ रहेगी, मिनिमम कहाँ रहेगी, ठीक है? या इन दोनों जगह भी आप लोगों की मैक्सिमम या मिनिमम रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है? हम लोग जब हाइट पर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप लोगों को मैंने आउटर कोर इनर कोर बाउंड्री पर खड़ा कर दिया, या मैंने आप लोगों को, है ना, चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आउटर कोर इनर कोर बाउंड्री पर मैंने आप लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक है? अब वहाँ पर आप लोगों की अर्थ की रेडियस कितनी है आप लोगों को पता है ना, 5130 के आसपास कुछ रहती है, ठीक है? तो ये हमारे किलोमीटर में है रेडियस है, वहाँ पे अगर मैंने आप लोगों को खड़ा कर दिया तो आप लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, तो वहाँ पे आप लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है? तो ये है आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? वैसे आप लोग जो बोलते हो ग्रेविटी 9.8, वो बात तो है ना, वो पॉइंट आएगा अभी जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं, है ना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट अभी हम लोग ग्रेविटी सर्वे के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पता होगा जैसे अगर हम लोग अर्थ सर्फेस पर अभी खड़े हैं ना, तो इस पर हमारी जो ग्रेविटी क्या रहती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहती है ना? अगर मैंने आप लोगों को इस सरफेस से ऊपर अगर आप लोगों को खड़ा कर दिया, है ना, कि मैंने आप लोगों को बोला कि किसी पोल पे चढ़ गया ऊपर, है ना, 5 किलोमीटर आप ऊपर चढ़ गए या कहीं ऊपर चढ़ गए, माउंटेन पे चले गए, तो वहाँ पे आप लोगों की जो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है ना? लेकिन मैंने आप लोगों को बोल दिया ये जो लाइन है, इस सर्फेस से नीचे जाओगे तो क्या होगा, नीचे जाओगे तब भी आप लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होगी, मतलब आप सर्फेस पर जहाँ पर खड़े हो वहीं पर आप लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, अभी मैक्सिमम है ना? तो ये पॉइंट समझ में आया, एक पॉइंट, है ना? तो इसी तरीके से हम लोगों को डील करना है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना? अब ये भी आप लोगों को पता हो कि अर्थ का जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक अर्थ बना दूँ, तो आप लोगों को पता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किस तरीके से मेंटेन है, क्यों मेंटेन है, ग्रेविटी आई क्यों है, है ना? आप लोगों का अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो किस तरीके से मेंटेन है, ठीक है? तो अब आप लोगों को पता है मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट तो सीधे सा पता होगा, है ना, कि क्या हो रहा है कि हमारा जो लिक्विड कोर है ना, दैट इज आउटर कोर, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में घूम रहा है ना, और उसके अंदर क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स है ना, मिनरल्स है, वो तो क्या करते हो, कलेक्टिवली एक चार्ज हमारा इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो वो कलेक्टिवली जो एक चार्ज इंक्लूड करेगा तो वो अर्थ पे क्या करता है, एक तरीके से पोल क्रिएट कर देता है ना? अब जो वो पोल बनेगा तो आप लोगों का एक नॉर्थ पोल बना रहता है, एक साउथ पोल बना रहता है, ठीक है? इट इज योर मैग्नेटिक पोल, है ना, मैं ज्योग्राफिकल पोल की बात नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल जो नॉर्दर्न पोल है वो कहाँ पर है, नीचे साउथ में है ना, आप लोगों के साउथ में जो ज्योग्राफिकल साउथ है वहाँ पर नॉर्थ पोल है, और आप लोगों का जो मैग्नेटिक जो साउथ पोल है वो कहाँ पर, ऊपर की तरफ है, जहाँ पे आप लोगों का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वहाँ पर है ना? तो इस तरीके से आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का मैग्नेटिक पोल हो गया। बट ठीक है, अब जियो मैग्नेटिज्म को अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग ग्रेविटी सर्वे के बारे में बात करें। ओके, सो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जनरेटेड बाय द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन द सब सरफेस रॉक्स। अब जैसे आप लोगों को पता है डेंसिटी का डिफरेंस काय में आता है, तो आप लोगों का आइसोस्टेसी का मॉडल आ जाता है। ठीक है, आइसोस्टेसी में उन्होंने क्या बोला, जैसे आप लोग प्रेट्स हाइपोथेसिस वगैरह पढ़ते हैं उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने अलग अलग डेंसिटी का मटेरियल यूज़ किया है। जैसे आप लोगों को पता है अर्थ का क्या है, एक क्रस्ट है,
क्रस्ट पे आप लोग जैसे माउंटेन में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगी, लेस डेंसिटी रॉक हो जाएगी, है ना, लीस डेंसिटी रहेगी ना वहाँ पे। तो आप लोग का क्या होता है, जो ब्लॉक रहता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहता है। ठीक है, वैसे आप लोग ओशनिक क्रस्ट की बात करो, है ना, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा थिन है, वो काफ़ी पतला है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। उसके अंदर क्या रहेंगे, हमारे जो मैफिक है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फेल्सिक एलिमेंट्स बोलते हैं ना, सॉरी फेल्सिक नहीं, मैफिक एलिमेंट्स, लाइक हमारा आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, इनका अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, भारी हो गया। और ये क्या हो गया, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मिलेगा, इसलिए इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल ये हो गया कि मैंने आप लोगों के हाथ में एक साइड में रख दिया आयरन का रॉड रख दिया, ठीक है, दूसरे हाथ में आप लोगों को दे दिया मैंने कोई बड़ा सा एक वुडन का ब्लॉक दे दिया, तो भारी कौन होगा, है ना, डेंसिटी किसकी ज़्यादा, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुडन, है ना, तो यही रीज़न हो जाएगा। इसके तरीके से आप लोग जानते हो कि हमारा कैसे, हमारी डेंसिटी जो है अर्थ की सब सरफेस रॉक से वो वेरी करती है ना। ये हो गया, द डेंसिटी वेरिएशन इज इंक्लूड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉजिविटी बॉडी सच एज अ सॉल्ट डोम्स, है ना। अब आप लोगों को पता है सॉल्ट डोम क्या होता है, सॉल्ट मतलब हेलाइट, और हेलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है, क्योंकि ग्रेविटी का जो सीधा सीधा रोल लगता है वो किसके साथ लगता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल के साथ। ठीक है, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर आप लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो है ना, तो आप लोग क्या क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सच एज सॉल्ट डोम, है ना, आप लोगों का ग्रेनेटिक प्लूटॉन्स हो जाएंगे, है ना, आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगी, हैवी मिनरल्स लाइक क्रोमाइट एंड मैगनीज। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने हैवी मिनरल्स की बात करी, जैसे आप लोगों का क्रोमाइट हो गया, मैगनीज हो गया, तो ये क्या है, इनकी आप लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है। क्रोमाइट हैवी होता है ना, क्रोमाइट जो है सुकिंडा नौशाई में निकलेगा आप लोगों को, है ना, भोला नौशाई में निकलेगा, कहाँ पर, आप लोगों का सुकिंडा वाला जो एरिया है ना, सुकिंडा नौशाई, भोला नौशाई, ये क्या है, आप लोगों के क्रोमाइट के डिपॉजिट है। मैगनीज के डिपॉजिट आप लोगों को पता है बहुत सारे कहाँ, मैगनीज कहाँ मिलता है, मंसर फॉर्मेशन में मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो है ना मंसर फॉर्मेशन में आप लोगों को मिलता है, लोहांगी वगैरह में मिलता है आप लोगों को मैगनीज, है ना, इंडिया में। तो ये हो गया, तो वहाँ पे जब आप लोग हेवी मिनरल के ऊपर जब आप लोग ग्रेविटी सर्वे करोगे तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बहुत हाई आएगी, है ना। और जहाँ पे आप लोग सॉल्ट डोम की बात करोगे तो आप लोगों को पता है इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो वहाँ पे आप लोगों को लेस ग्रेविटी का आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ग्रेविटी कॉन्सेप्ट इज टोटली डिपेंड ऑन अ डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि मटेरियल की जो डेंसिटी है उसके ऊपर ही आप लोग सारी की सारी चीज़ें दोगे, है ना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि कोई सैंपल है ना, मतलब ये मैंने बोला ऊपर आप लोगों की सॉइल है ना, नीचे आप लोगों की फिर हैवी हैवी रॉक्स आ रही है। अब यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, अब फॉल्ट हो गया तो क्या हो गया, बीच वाला पोर्शन जो है इसमें तो आप लोगों के नीचे क्या हो गई, हाई डेंसिटी वाली रॉक आ गई, है ना, यहाँ पे सॉइल कवर अप है मतलब लीस डेंसिटी, यहाँ पे हेवी मटेरियल आ गया तो फिर आप लोगों की हाई डेंसिटी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लीस डेंसिटी। तो ये आप लोग फॉल्ट वगैरह जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होते हैं, फोल्ड हो गए सच एज फॉल्ट, है ना, तो इनको भी आप लोग आइडेंटिफाई करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ अ ग्रेविटी सर्वे, है ना, जो आप लोग सराउंडेड आप लोग की जो रॉक रहती है आप लोग उसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर। ओके, एंड द साइज ऑफ द एनामोलीज प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी, ओके, बिटवीन द हॉर्स रॉक, है ना, मतलब जो आप लोग की हॉर्स रॉक जो उसको चीज को लेके रखिए, एंड कॉजेटिव बॉडी जो भी आप लोग की बॉडी, एंड दे आर ज्योमेट्रिक फॉर्म एट अ डेप्थ ऑफ ऑकरेंस, मतलब कितनी डेप्थ पर है ना, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लेट सपोज मैंने बोल दिया कि अगर हमारा तो आयरन का बहुत बड़ा एक कोई एरिया है ना, लेट सपोज मैंने बोला कि एक आयरन है मेरे पास अर्थ के अंदर, मैंने उसको अंदर डाल दिया, बहुत अंदर, कितना अंदर, जैसे मैंने उससे पूरा का पूरा इनर कोर ही बना दिया, है ना, तो इनर कोर आप लोगों को पता है किससे बना हुआ है, आप लोग के निकल और आयरन से बना हुआ है ना, तो अब वो है तो वो तो इतना नीचे है ना, इतने नीचे इतनी डेप्थ, ग्रेटर डेप्थ की हम लोग वैल्यू थोड़ी ना फाइंड कर पाएंगे, तो हमारा जो अब वो डेप्थ है वो कितना है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती है। ओके, सो द मेथड इज कैपेबल टू बींग अ सर्वे ऑफ द ग्राउंड, एयर एंड मराइन, मतलब क्या हो गया, इसकी सबसे स्पेशलिटी ये है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड पे खड़े खड़े भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेविमीटर को रखेंगे वहाँ पे और हम लोग उसके थ्रू रीडिंग निकाल सकते हैं। हम लोग एयर में क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी फ्लाइट के थ्रू भी पीछे इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे नीचे उसमें, और वो ग्रेविटी की वैल्यू वहाँ पे मेजर कर लेगा एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड के अलॉन्ग, है ना, मतलब हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को 200 मीटर के ऊपर फ्लाइट से उड़ाना है, मतलब तो कंटिन्यूसली पूरे एरिया में 200 मीटर भी चलना हमको उड़ाना है। ठीक है, तो वो उसके भी पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड, हमारा मराइन इन्वायरमेंट में भी हम लोग ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, मतलब जहाँ पे आप लोगों को मैग्नीज नोड्यूल्स वगैरह मिलेंगे, है ना, तो मैग्नीज नोड्यूल क्या हो गया, मैग्नीज है ना, यही है ना, मैग्नीज नोड्यूल कहाँ मिलेगा आप लोगों को, वो नीचे मिल जाएगा, ओशन फ्लोर में मिलता है, मराइन इन्वायरमेंट में मिलता है मैग्नीज नोड्यूल्स, तो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटी सर्वे का मैंने एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को एक बेसिक जो है आइडिया दे दिया है ना। अब कैसे हम लोग मेजर करते हैं, सारे एक एक पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके, तो पहली बात बेसिक सी थ्योरी देखते हैं। अब आप लोगों को पढ़ रहा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना,
आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप लोगों का जो ग्रेविटी रहती है इनटू मास रहेगा। आप दो चीज़ों के मास को कंपेयर ही करोगे ना तभी तो बताओगे ग्रेविटी कैसी है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होगा, पुल करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, सन के आसपास क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ना। अर्थ क्या हो गई, घूम रही है, मतलब जितने ही प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, है ना। वैसे जो हमारा आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो मून है वो भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, है ना, राउंड लगा रहा है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा, तो वो कैसे कर रहा है ना। तो उसके लिए भी हमारा टाइम फिक्स है, 27 डेज, हर चीज़ के लिए हमारा टाइम फिक्स है उसमें भी। तो अब आप लोगों को पता है इस तरीके से, फिर आप लोग की उसके भी आप पे टाइड्स वगैरह आती है ना, उसको आप लोग हाई टाइड्स बोलते हैं, लो टाइड्स बोलते हैं ना। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे ज्योग्राफी के टर्म्स, है ना। दिन में 2 बार हाई टाइड आती है, 2 बार लो टाइड आती है, तो किस तरह की कंडीशन रहेगी, है ना। जब आप लोगों को मैंने बोले दिस इज सन, है ना, एंड बीच में हमारी आ गई अर्थ आ गई, है ना, दिस इज मून, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज मून। तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, हाई टाइड रहेगी, ठीक है। ये आप लोग मून को बीच में ले लो अर्थ के यहाँ पे लगा लो, तो इस टाइम पे भी हाई टाइड रहेगी, ठीक है। लो टाइड कब रहेगी, जब आप लोगों का मून यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन क्रिएट हुई है इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, लो टाइड क्रिएट होती है ना। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक टर्म्स भी है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं कर रहे, इसलिए कभी बाद में वो डिस्कस करेंगे, है ना, जब टाइम होगा कभी। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों को पता है, हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग मून के और अर्थ के बारे में बात करें, या हम लोग सन और अर्थ के बारे में बात करें, मतलब दो ऑब्जेक्ट को होना कंपलसरी है, ठीक है। ग्रेविटेशन स्टैंड दैट द पार्टिकल अट्रैक्ट्स एंड देयर पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग अ फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ से हम लोग डिनोट करते हैं फोर्स को, है ना। इट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, जिसको हम लोग M1 M2 बोलते हैं। अब उनके बीच में ग्रेविटी लगी तो ग्रेविटी को भी लेना जरूरी है, ठीक है। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ओके, और यू शुड से दिस इज अ डिस्टेंस। कभी कुछ लोग इसको यहाँ पे R लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे D लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन उसका स्क्वायर है डिस्टेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, F को हम लोग क्या बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। ये आप लोग इक्वल लिख लो यहाँ पे, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, है ना। F इज इक्वल टू, है ना, ग्रेविटी क्या रहेगी, कितना फोर्स लग रहा है, जी इंटू M1 मास ऑफ M1 बॉडी मास ऑफ M2 बॉडी डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच में जो रेडियस है उसका क्या है ना, तो रेडियस का स्क्वायर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक याद भी होगा, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करके एक बार यहाँ पे बता रहता हूँ कि ये आया कैसे, है ना। ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम को जरा देख के समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या है, दिस इज M1, है ना, कोई एक बॉल है M1 है और अनदर एक और बॉल है M2, ठीक है। जैसे समझ लो कोई दो मैग्नेट ही है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, हम लोग एक डिस्टेंस पर रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचेंगे, है ना। और क्या होगा, इतनी स्पीड से खींचेंगे मतलब फोर्स कितना लगेगा, है ना, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को काउंट करेंगे, तो वो फोर्स कितना लगेगा। अब हमको पता है जो फोर्स रहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटी लग रही है ना, जो उसको अट्रैक्ट करती है ना, तो उसको हम लोग जी से, कैपिटल जी से डिनोट कर देते हैं, है ना। इनटू मास कितना है इसका, M1 और M2 का मास, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज M1 एंड M2, है ना। अब उसको डिवाइड कर देंगे किससे, हमारा जो रेडियस है उसके स्क्वायर से, तो हम लोगों का फोर्स निकल के आ जाएगा कितना, फोर्स के साथ ही कर रहा है, ठीक है। अब कैसे हुआ, अब आप लोगों को पता है कि रेडियस, जैसे अगर मैंने बोला कि दो मैग्नेट को अगर मैंने इतनी दूर रख दिया तो क्या हो गया, यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे पास में आएंगे तो उनकी स्पीड चिपकने की जो रहेगी, अट्रैक्ट करने की, वो स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब रेडियस जितनी कम होगी वो उतना पास में रहेगा, है ना, उतना जल्दी चिपकेगा वहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, अब आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अभी हमारा क्या है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारा सन है बीच में सेंटर में, दिस इज सन, ओके, यहाँ पर सन समझो, ओके। अब सन के आसपास आप लोगों को पता है बहुत सारे प्लेनेट है, लाइक मरकरी वीनस वगैरह, है ना। तो मरकरी वगैरह भी क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, मतलब रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द सन, ठीक है। वैसे हम लोग ब्लू प्लेनेट की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि अर्थ यहाँ पर, ये भी क्या करेगी, उसके आसपास रिवॉल्यूशन लगा रही है ना। और एक मैंने ले लिया कि आप लोगों का जुपिटर हो गया एक बड़ा सा प्लेनेट, दैट इज जुपिटर, है ना। अब जुपिटर भी क्या होगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन, है ना। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि जो उसके पास में है, मतलब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जितनी कम है ना, वो उतनी तेज तेज उसका रिवॉल्यूशन होगा, है ना। मतलब क्या होता है कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स है उनका जो हमारा रिवॉल्यूशन पीरियड जो रहता है वो काफ़ी कम रहता है। जैसे आप लोगों को पता है अर्थ क्या होता है, सूर्य के चक्कर कितने टाइम में लगाती है ना, एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में, 265 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग आगे वाले प्लैनेट पे जाओगे तो उनका और कम है, अगर आप लोग जुपिटर में चले जाओगे, प्लूटो में चले जाओगे, तो उसका तो बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है ना। तो ये चीज़ है, तो ये आप लोगों का कैसे होगा, मतलब जितना पास में होगा है ना उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो मतलब क्या हो गया, रेडियस है ना,
अगर मैंने यहाँ पे बोला आप लोगों को कि अगर हम लोग रेडियस को यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, है ना। अगर मैंने बोल दिया रेडियस को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, ये जो ऊपर की वैल्यू रहेगी उसको क्या कर देगी, डिवाइड करेगी ना ये, और डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। मतलब रेडियस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया, इसके बिहा पे आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझने अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, सब कुछ आप लोगों को इसी फॉर्मूला के बिहा पे समझने, समझ गए ना। फोर्स क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब रेडियस हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम कोशिश यही करेंगे कि हमारी जो रेडियस रहेगी वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। सब आप लोगों को पता है जी क्या रहेगा, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कितना होता है 6.67 × 10⁻¹⁸ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्या हो गया, जो हमारा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻¹⁸, है ना, ये हो गया, है ना। अब हम लोग इसको सेंटीमीटर, ग्राम या सेकेंड, है ना, अब इसको भी हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेसिक सा न्यूमेरिकल है ना, विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ डाइन, है ना, एंड एक्सप्रेस्ड 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर ऑफ 1 सेंटीमीटर पार्ट, ओके। तो ये जो भी है छोड़ो इसको भी, ये भी आप लोग काम करेंगे। एंड वैसे हम लोग देखेंगे कि हमारी जो ग्रेविटी की यूनिट है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग यू से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या कई बार आप लोग इसको और भी चीज़ें हम लोग उसको निकालते हैं, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में भी बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारी यूनिट ऑफ ग्रेविटी मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो क्या क्या है, ओके। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज अ टर्म ऑफ अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ओके। द पोटेंशियल यू ड्यू टू द पॉइंट ऑफ एम, मास जो रहता है हमारा एम रहता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने एम वन एम टू लिया था वहाँ पर, एट द गिवन पॉइंट ऑफ अ पी, है ना, एंड जो आप लोगों का डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कुछ जगह इसको डी भी दे दिया होता है ना। फ्रॉम एम इज डिफाइंड एज द वर्क नीडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मूविंग अ यूनिट मास और इनफाइनाइट टू द फाइनल पोजिशन पॉइंट पी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर लेंथ से लेंगे, है ना, एक फाइनाइट पोजिशन के थ्रू लेंगे। द मेजरिंग यूनिट इज, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गेल, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेल, है ना, कई बार इसको मिली गेल भी बोलते हैं, ओके। तो गेल यूनिट है ना, वन गेल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लैम्बडा, क्या हो जाएगा, 1 गेल इज इक्वल टू 1 लैम्बडा, है ना, लैम्बडा से भी कई बार आप लोग इसको डिनोट करते हो, ठीक है। और इसको हम लोग चाहते हैं तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको और भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मिली गेल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, है ना। ग्रेविटी की यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमारी 0.1 हमारी मिली गेल भी बोल सकते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, 0.1 मिली गेल, ओके। तो वैसे भी आप लोग इसको लिख सकते हो, बट यहाँ पे अभी गेल लिखा हुआ है, आगे आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग इसको करते हैं मेजर, ओके। विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड और अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन दैट विल एक्ट ऑन अपॉन अ मास ऑफ 1 ग्राम विद द फोर्स ऑफ 1 डाइन, 1 डाइन का फोर्स है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, हैज अ वर्ल्ड वाइड रेंज, जो कि हमारी कितनी है, 980 गेल्स, है ना, या ये तो गेल है, या तो आप लोग उसको मिली गेल में कर दोगे तो क्या कर देते हो आप लोग उसको, 9.8 बोलने लग जाते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग क्या बोलने चाहते हो, ओके। ऑन द अर्थ सर्फेस विद अ वेरिएशन ऑफ 5.17 गेल फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, है ना, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। एक तो हमारा ये है ना कि हमारा क्या होता है, जो हमारी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कितनी है ना, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं पूछा है, वो हमारा 6.67 × 10⁻¹⁸ है ना, वो अलग है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जिसको हम लोग जी बोलते हैं वो कितनी है हमारी, 980 गेल, है ना, कितना 980 गेल है, और जो कि हमारा अर्थ सरफेस का वेरिएशन है, जिसका इक्वेटर पे और पोल पे, है ना, इक्वेटर पे और पोल के बीच में जो हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा, वो हमारा कितना है इक्वेटर और पोल के बीच में, वो 5.17 गेल है ना, कितना 5.17, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा गया कई बार कि हमारे कितना होता है, 5.17 का डिफरेंस होता है गेल में, हाँ, इसमें इक्वेटर में और पोल, ठीक है। एंड द फील्ड मेजरिंग यूनिट जो इसको हम बोलते हैं, इसको मिली गेल भी बोल सकते हैं, MGL, एंड द ग्रेविटी यूनिट कितनी हो जाएगी, 0.1 MGL, एंड 1 गेल इज इक्वल टू 0.01 m/s², है ना, m/s², ये हो जाएगा। तो ग्रेविटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 गेल ऑफ यूनिट को हम लोगों ने इसको मेजर कर लिया या कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। द ग्रेविटी एनामोलीज रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द डेंसिटी, हम लोग डेंसिटी का जो डिफरेंस है उसको भी आप हम लोग इसको यहाँ पे ग्रेविटी एनामोली को काउंट करते हैं। और द डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट, मतलब क्या कॉन्ट्रास्ट है ना, बिटवीन द बॉडी ऑफ अ रॉक एंड इट्स सराउंडिंग, है ना, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक बीच में कोई जगह है,
यहाँ पे हमारा कोई हाई डेंसिटी मटेरियल है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पे पूरे ऊपर सरफेस पे सर्वे करते हुए हैं अलग अलग जगह, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे आप लोगों की जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी रहेगी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है ना। अभी कैसे होता है एक मिनट समझा देता हूँ ये चीज़ भी। तो यहाँ पे समझना कि लेट सपोज कि ये हमारा कोई ग्राउंड सरफेस है ना, दिस इज अ पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस, इस चीज़ को समझो। मैं भी आप लोगों को डायग्राम कभी आगे बनाऊँ है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं पेड़ लगा देता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ओके। सो दिस इज अ ट्री है ना। अब हम लोगों को नीचे की सरफेस तो पता नहीं कि नीचे हमारा क्या होता है ना। लेट सपोज यहाँ पे कुछ घास वगैरह उगी पड़ी है, ओके। सो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैंने बोला है कि यहाँ पर नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे मैंने एक और बॉडी लगा दी है, दिस इज सच एस और, क्या हो जाएगा ये हमारी एक और बॉडी है, दिस इज और, ओके। अभी और रहेगा तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लोगों की ग्रेविटी की वैल्यू हाई रहेगी, दिस इज हाई ई ग्रेविटी है, ओके। अब ये हाई ग्रेविटी है मतलब क्या होगा, है ना, क्योंकि अब सराउंडेड रॉक में क्या, लेट्स सपोज दिस इज अ क्ले है ना, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये जो जितनी भी है क्या हो जाएगा, दिस इज क्ले, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी और हो गई। अब जैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ली है ना, तो क्या हो गया, अब आपको पता है और जो है लेट्स सपोज क्रोमाइट ही हो गया ना, दिस इज क्रोमाइट, क्रोमाइट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी हाई वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना। तो ग्रेविटी का जब हमारा ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, लेट सपोज यहाँ पे हमारी नॉर्मल चल रही है, लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो क्या हो गई हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर यहाँ पे फिर आप लोगों की नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो ऊपर यहाँ पे एक तरीके से इन्फ्लेशन देखने को मिला है ना, क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ गई इस पॉइंट पे बहुत हाई आ गई है। तो वो क्यों हाई होगी, क्यों हाई होगी, जरा से इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो, ठीक है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रेविटी इज टोटली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है ग्रेविटी की वैल्यू जो है, दिस इज अ जी है ना, इज टोटली डिपेंड ऑन अ डेंसिटी, मतलब क्या होगी ग्रेविटी कब इंक्रीज होगी, जब आप लोगों का डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है तो वहीं बिल्कुल सेम टू सेम प्लेस पे क्या होगा, ग्रेविटी मतलब इंक्रीज कैसे हो रही, डेंसिटी के साथ इंक्रीज हो गई है ना। और साथ में क्या होता है, आप लोगों की जो रेडियस रहती है ना, मतलब दो मास के बीच की जो रेडियस है ना, अगर रेडियस अगर हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब रेडियस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारी ग्रेविटी की वैल्यू आएगी है ना, या हमारा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब जी की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो अब कैसे मेजर किया हम लोगों ने इस चीज़ को, है ना। अब एक समझो, एक चीज़ का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक हाथ में आप लोगों के हाथ में कोई एक प्लास्टिक का बॉक्स है और दूसरे हाथ में आप लोगों के पास एक आयरन का है ना, दोनों के दोनों सॉलिड है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि चलो हम लोग यहाँ पे आयरन की बात करते हैं, तो आयरन आप लोगों को पता है कैसा रहेगा, आयरन का ब्लॉक बिल्कुल इतना छोटा सा रहेगा, दिस इज Fe मतलब आयरन है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। वैसे अगर मैंने बोल दिया कि कोई प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया आप लोगों ने तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का बॉक्स उतना ही सेम वेट का, इतना बड़ा आएगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ है ना, ये आप लोगों का प्लास्टिक हो गया, दिस इज अ प्लास्टिक है ना, ये अब ये प्लास्टिक हो गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी का डिफरेंस है ना, आयरन की डेंसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे हाई रहेगी, और प्लास्टिक की क्या हो जाएगी, हमारी जो डेंसिटी है प्लास्टिक की हमारी लीस डेंस होगा, और जो आयरन है वो हमारा हाई डेंस होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, इसके बीच में हमारे क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल दैट इज सच इज नोन एज अ रेडियस जो रहेगी हमारी, अब वो रेडियस के थ्रू ही हमारे पार्टिकल्स होंगे, मतलब इन लोगों के बीच में जो हमारे पार्टिकल्स हैं है ना, उनके बीच में जो हमारी गैप रहेगी वो कैसी रहेगी, वो इस तरीके की गैप है यहाँ पर है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरीके से गैप है, मतलब इनके बीच में इतने इतने डिस्टेंस है, मतलब सेम पार्ट को कवर करने के लिए। लेकिन ये आयरन का रोड है तो क्या हो गया, इसके बीच में जो हमारा एक तरीके से इसका जो रेडियस रहेगी है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से काफ़ी हाई डेंस है, मतलब क्या हो गया, काफ़ी अल्ट्रा हाई डेंसिटी के साथ वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना, बहुत पास पास यहाँ पे वैल्यू है इस चीज़ की है ना। तो रेडियस क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, और रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे आप लोगों के आर यहाँ पे रेडियस कम होगी तो क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एफ इज इक्वल्स टू जी ग्रेविटी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ जियोलॉजी के स्टूडेंट्स को नहीं पता है ना, नहीं पता आप लोगों को, अगर आप लोग अगर कभी जियो फिजिक्स वगैरह पढ़े हो तो ही आइडिया होगा, अदरवाइज आइडिया नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो वो क्या था, M1 M2 मतलब दो मास थे, अब वो दो मास जब आपस में टकराएंगे तो वहीं तो फोर्स निकलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और वो किस में हाई रहेगा, हाई डेंसिटी मटेरियल में। तो जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा हाई है वहाँ पे पार्ट क्या रहेंगे, हमारी जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और रेडियस कम रहेगी तो हमारी वैल्यू ऑफ फोर्स क्या रहेगा, हाई रहेगा। आगे समझ में सारा का सारा पॉइंट,
ये सारा का सारा यही इतना सा ही खेल है हमारा, है ना। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, इतने में ही आप लोगों की चीज़ें जो रहेगी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी कवर अप हो जाएगी। सो ये हमारा है ना डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बॉडी ऑफ अ रॉक एंड द सराउंडिंग। डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट जिसको हम डेल पी बोलते हैं ना, डेल पी माइनस और पी वन माइनस सॉरी रो है ये, है ना। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं ना, रो, है ना। तो हम लोग को कॉन्ट्रास्ट निकालना तो क्या करेगा, है ना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल वन माइनस डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू। ओके, सो रो वन माइनस रो टू तो क्या हो जाएगा, द बॉडी ऑफ डेंसिटी इज, है ना, रो वन, एंड मटेरियल डेंसिटी क्या रहेगी इस रो टू। उसके भी यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ना। अब रॉक की डेंसिटी आप लोगों को पता है, द बल्क डेंसिटी ऑफ अ रॉक डिपेंड्स ऑन द मिनरल कंपोजिशन। किस तरीके से, क्यों, क्योंकि जब हमारे फेरिक, है ना, मतलब हमारे आयरन रिच एंड मैग्नीशियम रिच इस तरीके के मिनरल रहेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी वहाँ पे डेंसिटी ऑफ रॉक इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा बेसाल्ट में, और इसकी बात कर लेते हैं ग्रेनाइट की, तो हमारी बेसाल्ट की क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट। कितनी ग्रेनाइट की कितनी है, 2.5, ब्रेसाइट की और बेसाल्ट की कितनी है, 2.923, है ना। तो ये हमारा डेंसिटी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। ओके, तो ये हो गया। एंड पोरोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, जितना पोर रहेगा मतलब उतना क्या हो जाएगा, वॉइड रहेगा, और वॉइड खाली है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो भरा हुआ है किसी चीज़ के थ्रू, इट आइदर भी ऑयल, जैसे आप लोगों को ऑयल रिजर्वायर वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे आप लोग पोरोसिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अंदर जो मटेरियल है वो गैस है, लिक्विड है, मतलब लिक्विड में वाटर है या ऑयल है, आप लोग उसके भी आप पे देख लेते हो, है ना, कि क्या चीज़ है। ओके, एंड द फ्लूड इन अ पोर स्पेस, है ना, वही हो गया कि आप लोगों का कौन सा मटेरियल है। द वेरिएशन ऑफ वन ऑफ आल विल चेंज द डेंसिटी लोकली, आप लोगों का चेंज कर देगा। एंड डेंसिटी इज डिटरमाइंड By the direct measurement of a sample in air and water, है ना। अब कैसे डेंसिटी को मेजर करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि आप लोग क्या करोगे, उसका वेट करोगे कैसे, पहले उसको पानी में डुबोगे, है ना, फिर चेक करोगे कितना है उसका, फिर उसको क्या करोगे, उसको पूरा सुखाओगे, है ना, 24 आवर्स के लिए आप लोग उसको क्या करते हो, उसको हीटर के अंदर डाल दोगे, है ना, मशीन के अंदर, वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरा ड्राई सैंपल हो जाएगा, फिर उसका वेट करोगे, फिर निकालोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह क्या है, मतलब वही सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना। एंड द डिफरेंस इन अ वेट ऑफ एयर एंड मास ऑफ अ वॉल्यूम एंड वाटर डिस्प्लेट, है ना, वही हो गया जो मैंने चीज़ आप लोगों को समझाई है ना, वैसे ही आप लोग निकालते हो, है ना, ड्राई एयर में वेट वगैरह में इस तरीके से निकालते हो। ओके, है ना, डेंसिटी आप लोगों की कुछ दी हुई है ना नीचे वाले डायग्राम में, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ कॉमन रॉक मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल अलूवियम में बहुत कम होता है, एम्फीबोल्स वगैरह की क्या है, बेसाल्ट की कितनी है, 2.7 to 3.20, इसको आप लोग कई बार 2.9 के आसपास ही मानते हो, है ना, तो बेसिक सा जो मिडल पॉइंट आता है 2.9 ही आता है। ठीक है, लाइमस्टोन का अगर कोई पूछ ले 2.6 to 2.8, है ना, ग्रेनाइट का आप लोगों को पता है कहाँ गया, 2.5, है ना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2.5 होता है, बेसाल्ट का ज़्यादा होता है डेंसिटी, है ना। ये आप लोगों का दिया हुआ है बेसिक, पेरिडोटाइट में तो और हाई जाएगा कितना, क्योंकि मेंटल डीराइम्ड रॉक है ना, तो 3.1 to 3.4, है ना, जिसको आप लोग 3.3 लेके चलते हो पेरिडोटाइट का जो, है ना, क्वार्टजाइट में 2.6 to 2.7, ना रायोलाइट वगैरह में तो और कम हो जाएगा, मतलब जितना फेल्सिक में जाओगे उतनी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, मैफिक में जाओगे, अल्ट्रा मैफिक में जाओगे तो उतनी हाई हो जाएगी। वैसे अगर आप लोग पायराइट में जाओगे, प्लेटिनम में जाओगे, तो वहाँ हाई है, कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के, प्लेटिनम की 21 के अप्रॉक्सीमेट हो जाती है, है ना, प्लेटिनम नेटिव गलत लिखा हुआ है शायद, 19 to 21 के बीच में रहेगा, है ना। वो ग्रेविट आप लोगों के गोल्ड की कितनी रहेगी, आप लोगों की 19 के आसपास रहती है, कहाँ गया गोल्ड, ओके ये रहा 19 पॉइंट, है ना, 19 रहती है ना, याद रखना बहुत हेवी होता है ये, है ना। गैलेना की भी बहुत हाई है ना, 7.4 to 7.6 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गई इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो है देख लेना, जो माइंड में रहना चाहिए बेसिक सी बात है। ओके, अब मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग इस ग्रेविटी का, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। ओके, द ग्रेविमीटर इज द मेजरमेंट, मेजरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है ग्रेविटी, ग्रेवी है ना, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, है ना, अर्थ एट ए स्पेसिफिक लोकेशन पे हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप रहता है इतना बड़ा, है ना, उसको क्या करते हो आप लोग हर जगह ले जा के रख देते हो, है ना, उसमें नीचे तीन रॉड लगी रहती है ऐसे कैसे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टिक जाता है जमीन पे, है ना, उसको आप लोग सेट कर लो कहाँ पे वैल्यू, उसमें ऊपर क्या होते हैं, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं बुलजाय वगैरह होता है ना, बल्ब मीटर वगैरह होता है, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी लेवलिंग कर लेते हो कि बिल्कुल सारे के सारे तीनों पाए जो है ना, वो आप लोग की जो ट्राईपोड है उसके नीचे, मतलब वो एंगल किसका रहता है, वो आप लोग का स्टील की रॉड का ही रहता है, वो आप लोग का स्पेसिफिक खड़ा है या नहीं खड़ा उसकी जगह पर देख लिया। उसके बाद में क्या करते हो, उसको ऑन करोगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटी की वैल्यू बता देगा। अब उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके, मतलब वो दो तीन तरीके के आते हैं, है ना। द इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रेविमीटर होते हैं, एक आप लोगों का स्प्रिंग वाला होता है, एक बॉल वाला होता है। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट बोलते हैं और रिलेटिव। ओके, ये भी बात करते हैं, है ना, अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है,
एब्सोल्यूट ग्रेविटी मेजर इज द लोकल ग्रेविटी इन द एब्सोल्यूट यूनिट, जो आप लोगों का दिखा देता है किसमें, गैल के अंदर देता है ना। मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट ग्रेविटी मतलब बिल्कुल फिक्स बताएगा है ना आप लोग की हर जगह की लोकल लोकल ग्रेविटी को, किसमें एब्सोल्यूट यूनिट देगा, किसकी गैल के अंदर देगा। एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटी मीटर आर कॉम्पैक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे आप लोग बोलते हैं ना CG5 जो मॉडल होता है ना, ऑटो ग्रेविटी मीटर जिसको हम लोग CG5 बोलते हैं ना, CG5 जो मॉडल का नाम है उसका। ओके एंड यूज जिसको हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं, अभी डायग्राम आ जाएगा नीचे। एंड दे वर्क आर डायरेक्टली मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द मास है ना ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन अ वैक्यूम। ओके एंड द एक्सेलरेशन ऑफ रिजिडिटी अटैच्ड ऑफ द ग्राउंड, मतलब उससे अटैच कर लेता है और आप लोगों का बिल्कुल वैक्यूम जैसी आप लोगों की है ना एब्सोल्यूट ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग की बता देता है। ओके है ना, जैसे आप लोग देखोगे है ना IGSN स्टेशन पे आप लोगों ने नॉर्मल आज जब आप लोगों ने इसकी मेजरिंग करी है ना, तो स्प्रिंग क्या हो गई, वो आप लोगों की थोड़ी सी खींचेगी, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने देखा है यहाँ पर नीचे क्या है, और बॉडी आ जाएगी ना, तो और बॉडी आ जाएगी तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पे आप लोग MG लिखते हो है ना, मास इंटू ग्रेविटी है ना, और ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या L हो गई, बट यहाँ पे आप लोग बात करोगे तो क्या हो जाएगा, M प्लस आप लोग का इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर बॉडी के अट्रैक्शन की ना, तो इसको G प्लस आप लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा G है ना, आप लोग इसको निकाल लोगे और ये जो लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल L है ना, आप लोग इससे मेजर कर लेते हो, ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रेविटी मीटर है ना, क्योंकि आप एब्सोल्यूट तो होगी, आप रिलेटिव क्या रहेगा, आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव रहेंगे है ना, स्पेशली है ना जिसको असेंबलिंग करेंगे आप लोग का स्प्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग के होते हैं, जैसे आप लोग का स्प्रिंग बेस्ड है ना, तो ये आप लोगों का होगा है ना। फिक्स मास जिसका होता है कि मतलब उसके अंदर एक जो बार है, मतलब आप लोगों का मोस्ट टाइम आप लोग क्या बोलते हो कि एक तरीके से आप लोग का एक है ना एक स्पेसिफिक वेट जो होता है उसके नीचे लटकता रहता है स्प्रिंग के अंदर है ना, तो उतना तो रहेगा इसी। अब वो उसकी स्प्रिंग हो सकता है कहीं पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो थोड़ा सा और खींचेगा नीचे की तरफ, जैसे वो नीचे खींचेगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ स्प्रिंग की बढ़ेगी, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो हम लोग उसके भी आप पे काउंट करेंगे कितनी बड़ी है, मतलब उतनी ग्रेविटी इंक्रीज हुई उस जगह पे है ना, उसका निकाल लेते सिंपल सा फॉर्मूला। ओके द प्रिंसिपल ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटी विल रिजल्ट इन द चेंज इन द वेट ऑफ अ फिक्स्ड मास, इसको हम लोग बोलते हैं जो आप लोगों का जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी जी इंटू ऑफ एम प्लस डेल जी है ना निकाल लेंगे, विद चेंज इन द ऑफ लोकेशन, मतलब जैसे आप लोगों ने लोकेशन चेंज की, मतलब स्टेशन वन ये था और सेकेंड स्टेशन ये था, तो क्या हो गई, ग्रेविटी में हमारा वेरिएशन आ गया। ठीक है, द चेंज ऑफ द लोकेशन दस द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी डिफरेंट स्लाइटली, चेंज हो जाएगी विद चेंज इन द लोकेशन, मतलब जैसे आप लोकेशन चेंज करोगे उसकी लेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके तो स्प्रिंग एक्सटेंशन इज रिकॉर्डेड बाय द सुटेबल ऑप्टिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूमीटर, आप लोग उसमें मेजर करते हो ना, या तो आप लोग ऐसा रहता है कि आप लोगों की वैल्यू आ गई आप लोग उसको नोट कर लो, या कुछ जगह होता है इलेक्ट्रिकल मीटर होता है ऑटोमेटिक वो काटा चढ़ जाता है उतना बता रहता है स्पेसिफिक, या आजकल तो ऐसे हो गए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आ गए जैसे आप लोग की मोबाइल वगैरह में भी यूनिट आ जाती है कितनी आ गई है ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक डेटा सेव हो जाता है। ओके ग्रेविमीटर इज कैलिब्रेट एट रेगुलर इंटरवल्स एट अ बेस स्टेशन वेयर द एब्सोल्यूट ग्रेविटी इज नोन, एब्सोल्यूट ग्रेविटी वैल्यू इज सर्विस स्टेशन इज ऑब्टेन बाय द रेफरेंस इन द इंटरनेशनल ग्रेविटी स्टैंडर्ड नेटवर्क है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं IGSN है ना, इंटरनेशनल ग्रेविटी स्टैंडर्डाइजेशन नेटवर्क। ठीक है, ये आप लोग अभी टर्म आएगी क्योंकि इसका एक बार फुल फॉर्म कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिया था है ना, ये कैसे आप लोग रेफर करते हो, तो इसका बताओ है ना IGSN का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत लोग उसमें भी गलती करके आ जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है और ये इतना डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता है जितना वो पूछ लेते कभी कभी है ना, मतलब बहुत बेसिक पूछते हैं लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बना तो फिर तो टफ ही हो गया ना सभी के लिए। ओके तो द प्रोग्रेसिव स्पेसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द ग्रेविटी प्रोफाइल चेंज इन अ फ्यू मीटर ऑफ अ मिनरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सेवरल किलोमीटर इन अ रीजनल सर्वे है ना, मतलब क्या होता है जैसे ऐसे आप लोग चेंज करोगे तो उसमें अंदर हमारे चेंजेस आ जाते हैं। ओके द वार्डन ग्रेविमीटर इज वाइडली यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ कॉम्पैक्ट टेम्परेचर एंड कॉम्पेंसेट यूनिट ऑफ अ प्रिसीजन लेवल, जो रहेगा कितना इज ऑलवेज लेस देन 0.1 mgL मिली गेल से कम रहेगा, एंड द स्वीप बॉर्न सिस्टम इज एक्सटेंसिवली यूज इन अ मराइन ग्रेविटी मीटर है ना, वहाँ पे आप लोग यूज करते हो किस लिए, ताकि आप लोग के नीचे कोई अदर सबमरीन तो नहीं आ गई है या कोई स्पेसशिप नीचे मतलब कोई शिप वगैरह नीचे पहले गिर गया हो है ना, तो वहाँ पे आप लोग यूज करते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि क्या अभी आप लोगों ने अभी कभी आप लोगों ने वो देखा होगा कि मतलब क्लाइमेटोलॉजी का टर्म है ना, यहाँ पे इसमें तो नहीं आएगा जियो फिजिक्स में लेकिन क्लाइमेटोलॉजी का टर्म है, जैसे कि कई बार क्या होता है आप लोगों का जब वार्मर एयर मास रहता है क्या वार्मर एयर मास रहेगा है ना, और जब एक कोल्डर एयर मास रहता है क्या कोल्डर एयर मास है ना, कोल्डर हमेशा नीचे होगा वार्मर ऊपर होगा। ठीक है, तो कोल्डर एयर मास और वार्मर एयर मास जब आप दोनों मिलते हैं एक साथ तो क्या होता है उस कंडीशन पे क्या बनता है आप लोगों का क्या बनता है यहाँ पे इस जगह पर आप लोगों का फॉग बनता है। ठीक है, फॉग बनता है तो उससे क्या होता है जब
अब आप लोगों का पता है, जब आप लोगों का मेडिटेरियन करंट है, मेडिटेरियन करंट ही था ना, हाँ ओके, मेडिटेरियन करंट जब हमारा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वार्मर एंड कोल्डर एयर मास वहाँ पे जाके मिल जाते हैं, ठीक है, मिडल एटीट्यूड, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फॉग बन जाता है, और फॉग बन जाता है तो आगे का दिखता नहीं है ना, और वही हुआ था एग्जैक्टली कि जो टाइटैनिक मूवी में हुआ था, क्या हुआ था, फॉग बन गया था, उनको आगे दिखा नहीं कि आगे कोई आप लोगों का ग्लेशियर वगैरह है, तो क्या हो गया, उससे शिप टकरा गया और फिर डूब गया, है ना। सोचो अगर पता होता है ना, अगर उस टाइम पे अगर ग्रेविटी मीटर वगैरह इस तरीके की चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, आजकल तो सोनार वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों से पता चल जाता है नीचे क्या है ना। कई बार क्या होती है, नीचे सबमरीन्स होती है, वो क्या करती थी, हमारे यहाँ के जो शिप है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा नेवी वगैरह के पास जो होते हैं, उनको हार्म कर देते हैं ना, कई बार मिसाइल वगैरह छोड़ देते हैं, तो अगर पता होता तो पहले ही उनको उड़ा देते हैं ना, तो ये भी वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन सोनार वगैरह भी है, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक देखो, आप लोगों का दिया हुआ एक रीजनल वैल्यू दे के रखी कि आप लोगों की ग्रेविटी वैल्यू की प्रोफाइल नॉर्मल ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों ने मेजर करने गए तो क्या हो गया, आप लोगों का कर्व जो बना वो इस तरीके से कर्व बन गया, तो यहाँ पे दे के रखा है, क्यों हो गया, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे डेंसिटी क्या हुई हमारी, मटेरियल की कम हुई होगी, तो मटेरियल कौन सा हुआ, सचेस यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे सॉल्ट डोम है ना, अदरवाइज लाइमस्टोन की कितनी है, ज़्यादा है, सिस्ट की ज़्यादा है ना, इसकी कितनी है, इसकी भी ज़्यादा है, तो हमारी लाइमस्टोन की कितनी, 2.6 के नियर अराउंड है, बट सॉल्ट डोम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2, 2.3 या 2.0 है ना, इसके नियर अराउंड हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी, लिस्ट हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोफाइल गिर गया, तो इसके भी आप हम लोगों को सब सरफेस जियोलॉजी के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक से इंस्ट्रूमेंट है। अब आप लोग यूज़ करोगे क्या होता है, ग्रेविटी रिडक्शन मेथड्स का यूज़ करते हो, कैसे कैसे आप लोगों को रिडक्शन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रिफ्ट कोरिलेशन, लैटिट्यूड करेक्शन, फ्री एयर करेक्शन वगैरह आप लोग करते हैं, बॉगर यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या क्या है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ग्रेविटी रिडक्शन में आप लोग यूज़ करते हैं, ग्रेविटी रिडक्शन इज अ रूटीन करेक्शन ऑफ अ फील्ड ग्रेविटी, है ना, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एन ऑर्बिटरी रिफरेंस पॉइंट ऑफ एन सर्विस सॉरी एंड अ सीरीज ऑफ अ ग्राउंड स्टेशन इन्फ्लुएंस एंड एक्सटेंसिनियस इफेक्ट नॉट रिलेटेड टू द सबसर्फेस जियोलॉजी नॉट इंटरप्रिटेशन शुड बी अटेम्प्टेड बिफोर द करेक्टिंग फील्ड डेटा, ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम लोगों को ग्रेविटी रिडक्शन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, लेट सपोज कि आप लोग कहीं फील्ड में घूम रहे हो और वहाँ पे कभी नीचे जैसे आप लोगों ने सर्वे कर लिया, उसमें आप लोगों की जो यूनिट आ रही है उसमें उसको आप लोगों ने मेजर कर लिया, ठीक है, बट कई बार क्या होता है जैसे ऊपर से कहीं आप लोगों के इसके वायर निकल गए, है ना, इलेक्ट्रिक लाइन निकल गई, कोई हैवी जिसको हम लोग 3-4 मेन लाइन बोलते हैं, कभी वो हो गई, कोई रेलवे ट्रैक है ना, ऐसी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंपास जो रहता है, मेजर करते हो आप लोग जब चेन टेप सर्वे करते होंगे कॉलेज ग्रेजुएशन टाइम, तो क्या होता है उसमें वैल्यू आती है ना, जो भी आप लोगों का नॉर्थ दिखा था, लेकिन कोई भी अगर अपने हाथ में किसी ने वॉच पहन के रखी है ना, और वो अगर उसके पास में आ जाता तो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है हल्का सा कर्व, है ना, क्यों हो जाता, क्योंकि आप लोगों की जो चीज़ें इन चीज़ों की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। और कई बार जैसे लेट सपोज की साइड में आप लोगों की रेलवे पटरी है, ट्रैक है, मतलब आयरन का है, अब ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है कि हल्का सा ग्रेविटी को ये फ्लक्चुएट कर ही देगा, इसलिए आप लोग क्या करते हो, ग्रेविटी को रिडक्शन करना वहाँ पे जरूरी होता है ना। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कभी आप लोग माउंटेन पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, नीचे जा रहे हो तो क्या होता है, वहाँ पे भी रिड्यूस हो जाती है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा ड्रिफ्ट करेक्शन। ड्रिफ्ट करेक्शन मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने जब एक जगह को दूसरी जगह छोड़ा है तो क्या हो रहा है, ओके, तो ड्रिफ्ट करेक्शन ऑकर ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ अ स्प्रिंग, ओके, एंड चेंज ऑफ अ टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग पीरियड। मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आप लोगों ने कोई पुअर क्वालिटी की आप लोगों की स्प्रिंग लगी हुई है ना, आप लोगों ने देखा होगा रिकॉर्डिंग गेज और नॉन रिकॉर्डिंग, दो तरीके से यूज़ किए हैं, एब्सोल्यूट और मतलब और एक्यूरेट वाला जो था, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है, अब वो स्प्रिंग जो है ना, लेट सपोज कि कभी वो ऑटोमेटिक क्या होगा, खींच गई, या आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों का जो गर्मी का टाइम होता है उसमें क्या होता है, आप लोगों के दीवार घर के जो शीशे होते हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी कई बार होता है कि जैसे हमारा क्या होता है, जब कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वो थोड़ी सी फैल जाएगी ना, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या होता है, एक तरीके से ग्रेविटी की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली ना, तो वहाँ पे हम लोग उसको रिड्यूस करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिफ्ट करेक्शन, ओके, सो इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट इज करेक्टेड बाय रिपीटेड रीडिंग एट अ बेस स्टेशन एट अ फिक्स टाइम इंटरवल थ्रू आउट अ डे, है ना। जैसे अगर हम लोगों ने बोल दिया कि यार यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हमारी कितना आ रही है, 0.3 या 0.4 हमारी इंक्रीज आ रही है ना, वैसे इतना नहीं होता है, 0.2 0.3 है ना, इतना ही होता है, 0.2 0.3 आ रही है, तो हमारी हर जगह इंक्रीज ही आ रही है, मतलब बिल्कुल सेम ही आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, वो 0.2 जो जितनी एक्चुअल में से हमारी जो 0.2 ज़्यादा आ रही है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं ना, दैट इज़ अ ड्रिफ्ट करेक्शन, है ना, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेशन से
लास्ट स्टेशन तक लिया और उतनी पूरी कंटिन्यूसली चल ही रही है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं वहाँ से, ऑटोमेटिकली हम लोग कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिफ्ट करेक्शन। सेकेंड रहता है हमारा लेटीट्यूड करेक्शन, मतलब लेटीट्यूड के साथ भी हमारी चेंज होती है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, अर्थ इज अ नॉन स्फेरिकल जस्ट बिकॉज द शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, ओके, सो बॉडी विद इक्वेटोरियल बल्जिंग, है ना, क्योंकि हम लोगों की जो इक्वेटर पे जो हमारी रेडियस है वो कितनी हमारी 6378 किलोमीटर, ओके, एंड योर यू विल गेट अ पोल पे कितनी हमारी 6356, सो दैट्स वाई दिस इज अ, है ना, 6356 किलोमीटर, है ना, दिस इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, एक आप लोगों की क्या हो जाएगी, आप लोग इक्वेटर की रेडियस हो जाएगी, दिस इज अ पोलर रेडियस, ओके, सो ये हो गया। अब इसके भी यहाँ पे आप लोग पहचान कर लेते हो, है ना, द पॉइंट ऑफ नियर टू द इक्वेटर आर फार, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द अर्थ एंड देन दोस नियर टू द पोल, है ना, कॉजिंग द ग्रेविटी टू इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मतलब क्या होता है, ग्रेविटी हमारी पोल पे हाई होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और क्या होती है हमारी इक्वेटर पे क्या होती है, कम होती है। द करेक्शन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एडेड टू द मेजरिंग ग्रेविटी कॉन्ट्रास्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्टेशन इज हायर और लोअर एल्टीट्यूड देन द बेस स्टेशन, ओके, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू शुड मेजर इट, ओके, इफ आइदर यू आर ऑन अ पोल और यू आर ऑन अ इक्वेटर, ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पर्टिकुलर लेटीट्यूड पे जो हमारा फर्क आता है, मतलब जितना रिडक्शन आता है उसको हम लोग हमेशा माइनस करके चलते हैं, तो दैट इज अ लेटीट्यूड करेक्शन, ओके, मतलब अगर हम लोग पोल पे मेजरिंग कर रहे हैं तो पोल की जो हमारी जितनी हाई जा रही है तो उसको हम लोग ऑलरेडी निगलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ एडिशनल आती है तो फिर हम लोग वहाँ पे उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एलिवेशन करेक्शन, क्या रहता है हमारा एलिवेशन करेक्शन रहता है, सो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एयर करेक्शन। अब आप लोगों को पता है ऊपर माउंटेन पे जाएंगे तो क्या होगा, जो माउंटेन है मतलब क्या होगा, लीस्ट डेंसिटी मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल लीस्ट डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों की ग्रेविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कॉजिंग अ वर्टिकल डिक्रीज इन द ग्रेविटी ऑफ द सर्वे पॉइंट विद इंक्रीजिंग द एलिवेशन ऑफ इन एयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड अमेंडमेंट फैक्टर इज यूज्ड इन अ ग्रेविटेशनल सर्वे टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ओके, मतलब क्या होती है आप लोगों का जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, हाँ बता दिया। द एज्यूमिंग इंटरफेरेंस द एयर बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ सी लेवल इज इक्वल टू -3.086 mgL mgL बोलते हैं, बट ये आप लोगों का कुछ काम का नहीं, इतना आप लोग माइनस कर देते हो, मतलब ऊपर जा रहे हो जितने हाइट पे जाओगे तो उतनी कम हो जाएगी, तो उसको ऑलरेडी माइनस कर देते हो, फिर अगर हाई हुआ ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर अगर फिर कोई और बॉडी मिली तो फिर आप लोग उस पर वर्क करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। द करेक्शन इज एडेड टू द मेजरिंग ग्रेविटी डिफरेंस इन द सर्वे स्टेशन अबाउ द डेटम ऑफ प्लेन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और उसके बाद में रहेगा आप लोगों का एलिवेशन करेक्शन, बॉगर जिसको बोलते हैं, बॉगर में क्या बोला है, ये हमारा एलिवेशन करेक्शन रहेगा, ओके। बॉगर करेक्शन रिमूव द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन पुल एज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन द एलिवेशन बाय अप्रोक्सीमेटिंग द हॉरिजेंटल रॉक लेयर रिप्रेजेंट बिलो द ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एक्स्ट्रा मास बेनिथ एन ऑब्जेक्ट लोकेट एट अ हाई एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन causes a high amount of gravitational force. If the strength of gravity at sea level is known and this is the actual value of the gravitational elevation can be approximated during the Bogor correction and the Bogor correction is mathematically expressed as 0.4186 gram, or jisko hum log g bol sakte hain, h bol sakte hain, where the g is assuming as the average density of earth and h is the difference of the altitude between the place where the gravity is known, okay. मतलब वहां पर जहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी उसको मेजर करके रखा है कि इस पॉइंट पे इतनी सेम ग्रेविटी है, तो आप लोग उसके भी आप ही बात करते हो, ठीक है। एंड वेयर द बींग मेजर्ड, है ना, जहाँ पे आप लोग उसको मेजर कर रहे हो तो आप लोगों का उस जगह का आप लोगों का हाइट हो जाएगा, ठीक है, और जी मतलब उतनी ग्रेविटी होगी, ठीक है। एंड द वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेविटी एट अ लोअर लोकेशन टू यील्ड अप्रोक्सीमेट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ हायर एलिवेशन, ठीक है। मतलब क्या कर दोगे आप लोग उस चीज को मेजर कर देते हो, मतलब आप नीचे जाओगे तो क्या करोगे उसको फिर वहाँ पे ऐड कर दोगे, ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा उसको ऑटोमेटिक कम कर दोगे, है ना, क्योंकि कम हो रही है तो वो आप लोग पहले से उस चीज़ को कर देते हो, ठीक है। थर्ड रहेगा आप लोग का एलिवेशन करेक्शन टेरेन, मतलब आप लोग जैसे किसी माउंटेन एरिया की बात कर देते हैं ना, वही हो जाएगा रिलीफ फैक्टर। एलिवेशन करेक्शन एंड द टेरेन करेक्शन, है ना, अकाउंट्स फॉर द टोपोग्राफिक रिलीफ द विसिनिटी ऑफ द ग्रेविटी स्टेशन एंड द इफेक्ट ऑफ इज आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इट इज लो इन फ्लैट एरियाज, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्लैट एरियाज रहेंगे वहाँ पे लो रहेगी, एंड हाई इन स्टीप साइडेड वैली, मतलब जहाँ पे आप लोग वैलीज हैं वहाँ पे हाई रहेगी, है ना, और जैसे आप लोग बात करोगे एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ एंड द समिट ऑफ अ माउंटेन, वहाँ पे भी क्या रहेगी, है ना, एट वहाँ पे आप लोगों का बात करोगे ना, जैसे आप लोग माउंटेन वगैरह समिट करने जाते हो तो वहाँ पे भी क्या रहेगा आप लोगों का, वैसा ही रहेगा सेम टू सेम, ओके।
फ्लैट एरिया में लो है, आप लोग स्टीप साइडेड वैली में जाओगे वहाँ पे हाई हो जाएगी, एंड टॉप क्लिफ में जाओगे एंड माउंटेन वगैरह जाओगे तो वहाँ पे वैसा सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड एक रहेगा टाइडल करेक्शन, मतलब जहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, मून का आप लोगों का या सन का आप लोगों का ग्रेविटेशन फोर्स जब अट्रैक्ट करता है ना, तो जिससे आप लोग बोलते हो टाइड्स वगैरह आती है ना, तो उस टाइम पे भी आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हो, उस टाइम पे आप लोग नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि एक ग्रेविटी का एक रोल ऑटोमेटिक लग रहा है ना, जो कि आप लोगों के अर्थ को खींच रहा है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग बल्जेस के फॉर्म में खींचता है ना, जैसे यहाँ पे सन है, बीच में लेट्स सपोज अर्थ है और यहाँ पे मून हो गया, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा, तो क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, हाई टाइड हमारी जनरेट हुई, ओके। सो इस टाइम पे भी आप लोग क्या करते हो, उसको रिड्यूस कर देते हो, मतलब उस टाइम पे भी आप लोग उसको नहीं मानते, ठीक है। अब वो कितना फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, टाइडल करेक्शन, तो इसको भी हम लोग मानते हैं ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या एप्लीकेशन है हमारा, ओके। सो ग्रेविटी सर्वे आर यूज आइदर अलोन इन अ कॉम्बिनेशन विद अ मैग्नेटोलिटिक सर्वे, जिसको आप लोग मैग्नेटिक सर्वे बोलते हैं, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन आप लोग मेथड यूज करते हो, है ना, याद रखना इंड्यूस्ड पोलराइजेशन आप लोग किसके लिए यूज करते हो, आप लोग मैसिव सल्फाइड्स बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंड्यूस्ड पोलराइजेशन यूज करते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत कम से कम 50 बार आज तक पूछा गया है ना, मैसिव सल्फाइड रिच जो बॉडी रहती है उसको आप लोग ढूंढने के लिए इंड्यूस्ड पोलराइजेशन का यूज करते हो जब वो आप लोग का डिसिमिनेटेड फॉर्म है तब, ओके। एंड द रेजिस्टिविटी सर्वे टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड साइज ऑफ द मेजर सोर्स स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्टिंग accumulations of the hydrocarbons, massive base metals deposits, iron ores, salt domes and hydrogeological aquifers, okay। तो इन चीज़ों को identify करने के लिए आप लोग use करते हो सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेविटी सर्वे इज डिस्कवर और डीप सीटेड, आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का कोर वो मैसिव आप लोगों के मल्टीपल सल्फाइड और बॉडीज को आप लोग आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हो, कहाँ पे, डीप सीटेड, है ना, याद रखना नोड्यूल्स बॉडी वगैरह है ना, वो सब यहीं से ग्रेविटी के थ्रू ही निकली है, ओके। दिस वर अ नो सरफेस सिग्नेचर, ओके। द साउंड सॉरी द ग्राउंड ग्रेविटी सर्वे ड्यूरिंग द 1973 ओवर अ पोर्टुगीज पार्ट ऑफ द डिफरेंट पायराइट आप लोग का एक्सटेंशन किया गया है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आप लोग के एनोमलीज वहाँ पे निकाली गई है ना, रैपिडली वेरीड फ्रॉम रीजनल बैकग्राउंड के फॉर्म में, द फ्यू न्यू टारगेट्स ड्रिल, मतलब आप लोग क्या करते हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन वगैरह करने से पहले भी ग्रेविटी सर्वे यूज करते हो, ठीक है। आप लोग लॉगिंग के अंदर भी आप लोग ग्रेविटी टूल्स का यूज़ करते हो, ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड बॉगर एनामोलीज वगैरह है ना, ये आप लोगों का टाइम गैप ऑफ ईयर वगैरह हाफ वगैरह में आप लोग इसको यूज़ करते हो, मतलब बॉगर एनामोली वगैरह वही हो गया कि आप लोग उसको क्या करोगे, पहले ही आप लोग उसको निगलेक्ट करके चलोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए आप लोग का, कॉपर, जिंक, लेड है ना, और आप लोग का है ना, ये आप लोग इस तरीके की और बॉडीज वगैरह के लिए आप लोग यूज़ करते हो ना, वर्टिकल डेप्थ का भी ध्यान रखते हो सरफेस पे 300 मीटर, या आप लोग एग्जांपल दे रखे, जैसे हमारा बुशवेल्ड क्रोमियम डिपॉजिट है, कहाँ पर है ये, अब बुशवेल्ड क्रोमियम डिपॉजिट कहाँ पर है आप लोगों का, ये आप लोगों का साउथ अफ्रीका के अंदर है ना, ये याद रखना, बुशवेल्ड टाइप आप लोगों का क्रोमियम डिपॉजिट होता है ना, कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। आप लोगों का कोला पेनिसुलर पीजीई के अंदर देखे रखा है ना, रशिया जो, एंड सुकिंडा आप लोगों को पता है, सुकिंडा नोशाई, बोला नोशाई, ये कहाँ पर है आप लोगों का, क्रोमियम रिच है ना, निकल एंड क्रोमियम रिच है, वो कहाँ पर है आप लोगों का, उड़ीसा के अंदर है ना, तो ये आप लोगों का इतना इतना पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये इसके भी आप लोग ग्रेविटी मेजर करते हो, और ये सारे के सारी चीज़ें आप लोगों के ग्रेविटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड अगर इससे इस आज के सेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को इस चीज़ को सॉल्व कर दूंगा, है ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा दूंगा अच्छे से, ओके। और कुछ भी अगर क्वेरी निकलती तो नेक्स्ट सेशन के पहले मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा 100%, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ भी बात हो बताना मुझे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं हम इस सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरी जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन मेथड्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, विद दैट साइड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फ्रॉम हैवी शेड्यूल एंड मेकिंग दिस स्पेक्युलर इवनिंग विद योर ग्लोरियस प्रेजेंस, सो ऑलवेज रिमेंबर यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, सो गो आउट एंड सेट द थम्स ऑन फायर, और हमेशा याद रखें, तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ओके। सो हम गुड नाइट, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सेशन, इसको याद रखना, ओके। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, है ना, और नेक्स्ट हम लोग फिर और नेक्स्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे।